अच्छा, ये अरविंद तिवारी जी बोल रहे हैं आप जी? वो करवा आपने जो वो सुर्खी विधानसभा को लेके जो भविष्यवाणी की है? बिल्कुल, अरविंद तिवारी जी, मोहम्मद जाकिर बात कर रहा हूँ, राहतगढ़ से। बोलिए। राहतगढ़ से हूँ मैं, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैंने भी चुनाव लड़ा है जी। आपने नीरज शर्मा को तो विजयी घोषित कर दिया जी। अगर अरविंद जी, अगर आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो जाए तब? गलत साबित हो जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। नहीं, हमने क्या कर, देखो अपन तो इस मुहावरे में शर्त लगाने तैयार है कि नीरज शर्मा किसी कीमत पे चुनाव नहीं जीत रहे। आपने नहीं, भविष्यवाणी के पीछे पहले एक डिस्क्लेमर पड़ा होगा, उस डिस्क्लेमर में बहुत सारी चीजें लिखी गई। अच्छा, नहीं नहीं, वहाँ पे क्या है, राहतगढ़ में कुछ लोग बहुत बड़ा चुला के उसको हाईलाइट कर रहे थे, चुनाव जीत गए, ये हो गया, वो हो गया। अब हम खुद चुनाव लड़े हैं वहाँ से, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा है। तो फिर हमने वो आपके रविंद्र जैन जी है ना, जिनने आपका इंटरव्यू लिया है जी। हाँ, फिर मैंने उनसे बोला एक बार अरविंद तिवारी जी का हमें नंबर दीजिए, तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे बात कर देंगे, अगर आपकी भविष्यवाणी गलत साबित होती है तब आप क्या करेंगे, हम जो बताएंगे वो सब साबित होगा तब आप क्या करेंगे? श्रीमान जी, हमने विशुद्ध ज्योतिषी आधार पे भविष्यवाणी की है। नहीं नहीं, आपने जो सेकंड वीडियो डाला उसमें आपने बोला है कि नीरज शर्मा चुनाव जीत गए। मैंने जो भी बोला होगा, हाँ, तो उसमें बोला होगा जो नहीं, नहीं, क्या होता है जो प्रोपेगेंडा चलता है ना पंडित जी, इसमें क्या लोग भ्रमित होते हैं, है ना। अपन बात वो करें, ठोस करें, जैसे हम बोल रहे हैं कि नीरज शर्मा चुनाव किसी कीमत पे नहीं जीत रहा है, तो हम अपनी बात पे कायम रहेंगे। चलिए, अच्छी बात है। हाँ, अपन जब भविष्य में मिलेंगे तब बात। अरे भविष्य में जिस दिन बोलो, भोपाल बोलो, सागर बोलो, राहतगढ़ बोलो, अपन बिल्कुल मिलने तैयार हैं। और हमारी आप एक शर्त स्वीकार कर लो तो कहो तो फिर हम आपकी गुलामी कर देंगे। नीरज शर्मा चुनाव नहीं जीत रहे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पिछले 22 साल से भविष्यवाणी कर रहा हूं। हम तो एक अनपढ़ इंसान है, सामान्य इंसान है। हम तो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं अरविंद तिवारी जी, हम सामान्य इंसान हैं। अगर आप हमारा चैलेंज स्वीकार कर लो खुले मंच पे, तो जो कहो हम वो कर दे तुम्हारे लिए। नीरज शर्मा चुनाव नहीं जीत रहे। कोई बात नहीं, नहीं जीतेंगे, कोई बात नहीं। 230 लेकिन प्रोपेगेंडा मत चलाइए, है ना। मैंने कोई प्रोपेगेंडा नहीं चलाया ना, मैं नीरज शर्मा को सेकंड वीडियो जारी किया उसमें आपने बोला नीरज शर्मा चुनाव जीत चुके हैं, वो वीडियो मेरे पास है। तो वो किसने रिकॉर्ड किया भैया, ये बताइए। अगर आपको कभी आपके सामने खुले मंच पे स्वीकार करना हो मेरी बात तो बताइए। अरे मैं इस तरह की बातें ना करता ना सुनता मेरे भाई। चलिए, मत बना के डालिया कीजिए यहाँ से वीडियो, है ना, कि ये जीत गए वो जीत गए।